हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट कर रहे प्रोसेस कॉस्टिंग का थ्योरी पोर्शन। हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग का कंपैरिजन। सो हमने ऑलरेडी पास्ट चैप्टर्स में कवर किया है जॉब कॉस्टिंग क्या होता है। अब उसका सिर्फ कंपैरेटिव स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, कुछ मैं आपको बोलूँगी आप अपना स्किल यूज़ करें, ठीक है। अब जॉब को मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा चुका है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर है और याद भी है, तभी आप इस वीडियो तक पहुँच पाएँ। और प्रोसेस भी हमने लास्ट वीडियो में आपको एक बेसिक क्लैरिटी दे दी है, ठीक है। सो अगर हम जॉब कॉस्टिंग पे ध्यान दें, तो जब ऑर्डर आता है या कोई प्रोडक्शन होता है, तो वो किसे जॉब वाइज होगा, तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर अकॉर्डिंग जॉब कॉस्टिंग में काम होता है। बट क्या प्रोसेस में ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या आपने जो मशीनें सेटअप की हैं, आज उसका ऑर्डर आया उस हिसाब से कि कल किसी और का आया तो किसी और के हिसाब से कि, वो नहीं पॉसिबल हो सा है प्रोसेस कॉस्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फ्लो होना चाहिए प्रोडक्ट का, ठीक है। लगातार चलने वाली चीज़ें होनी चाहिए और होमोजीनियस होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होगा प्रोसेस कॉस्टिंग। फॉर एग्जांपल कोई टी शर्ट्स मैन्युफैक्चरर है, तो वो आपको डेकोरेशन के डिफरेंट ऑप्शंस देगा, लेकिन वो टी शर्ट्स ही मैन्युफैक्चर करेगा, वो ही आपको कन्वे करेगा, ताकि जो बाकी के प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूस हो, लास्ट प्रिंटिंग भले चेंज हो जाए, है ना। लेकिन जॉब में रिलेटेड टू दैट जॉब, और सपोज करो आपके यहाँ कोई इलेक्ट्रिशियन है, आपके यहाँ आज एसी खराब हो गई, तो आपने उसको उस पर्टिकुलर जॉब के लिए बुलाया। कल आपका सपोज फ्रिज खराब हो गई, तो आपने पर्टिकुलरली उस अदर जॉब के लिए बुलाया, तो दैट इज अगेंस्ट द स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करते हैं जॉब में? हम इंडिविजुअली जॉब वाइज, क्योंकि जॉब वाइज ही है काम, ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर वाइज ही है। लेकिन क्या प्रोसेस में ये पॉसिबल है क्या? नहीं, प्रोसेस में इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी खो सकता है। लाइक शुगर केन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो शुगर केन जो है, जब शुगर मैन्युफैक्चर होते, तो आपको ये नहीं पता कि वो किसके किस फार्मर के यहाँ से आई है, उसको उसके ऊपर आपने क्या कॉस्ट पे किया है, आप एक एवरेज कॉस्ट निकालते, दैट्स इट, ठीक है। तो जॉब में इंडिपेंडेंट ही सेपरेट आइडेंटिफाइबल, कॉस्ट भी कैलकुलेट होगा, आइडेंटिफाई भी होगा। बट अगर यही प्रोसेस की बात करें, वहाँ पॉसिबल नहीं है, इंडिविजुअल की आइडेंटिटी नहीं रह जाती है, खो जाती है, ठीक है। जॉब में अगर कॉस्ट निकालना हो, तो टोटल जॉब का कॉस्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट, बट प्रोसेस में क्या होगा, पर प्रोसेस वाइज कैलकुलेट होगा, ठीक है। कॉस्ट जो है जॉब कॉस्टिंग के केस में, जब जॉब कंप्लीट हो जाता है तब कैलकुलेट करते हैं, बट प्रोसेस क्लॉज में हर एंड ऑफ द प्रोसेस में हम जब मार्क अभी करेंगे, आप देखेंगे हर प्रोसेस के एंड में हम जो है कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ट्रांसफर हो, तो जॉब कॉस्टिंग में क्या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा? नहीं, अगर मानो कोई थोड़ा बहुत मटेरियल बच जाता है, अदरवाइज नहीं। बट क्या प्रोसेस में होगा? यस, मैंने आपको पहले समझा, एक प्रोसेस से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, जितने डिपेंड्स ऑन प्रोसेस है, तो ट्रांसफर होता है प्रोडक्ट्स का, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वहाँ पे जॉब वाइज होगा, यहाँ पे प्रोसेस वाइज होगा, है ना। कंट्रोल, वहाँ पे कंट्रोल डिफिकल्ट है, क्योंकि जॉब के एंड में आप कैलकुलेट कर रहे हो, जॉब वाइज कर रहे हो, और पुराना कोई एक्सपीरियंस भी काम नहीं आने वाला, कॉस्ट एनालिसिस भी नहीं, क्योंकि हर जॉब कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रहा है ना। लेकिन क्या प्रोसेस में ये है? हाँ, प्रोसेस में आपका कंट्रोल और जो मैनेजमेंट है वो क्विक ईजी है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है, क्यों? क्योंकि प्रोसेस आपके सेम हैं, ठीक है। अगर आप जॉब पोस्टिंग को देखें, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा डिटेल रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर कस्टमर के अलग रिक्वायरमेंट है, उनके अलग नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, बट वो लेस हो जाते हैं इन केस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। सूटेबल क्या प्रोसेस कॉस्टिंग? जो जॉब कॉस्टिंग है, मैंने क्या बोला, वो कस्टमर के ऑर्डर वाइज चलती है, ठीक। और प्रोसेस कॉस्टिंग किस पे फोकस करते हैं? जहाँ कंटिन्यू काम हो और होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। कस्टमर का भी ऑर्डर ले लेंगे, बट मेन फोकस है कंटिन्यूस काम एंड जो होमोजीनियस प्रोडक्ट है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, और रटना नहीं है। रटना क्या है? ये ब्रॉड हेडिंग्स, प्रोडक्शन कॉस्ट डिटर्मिनेशन एंटिटी, ये भी क्यों मेमोराइज करने के लिए बोलती हूँ, कुछ रीज़न है। एक एग्जाम हॉल में आपके पास टाइम बहुत कॉन्स्टेंट होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है। कई बार स्टूडेंट ये रिप्लाई करते हैं कि मैम, एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले जो वक्त मिलता है ना, रिवीजन नहीं कंप्लीट हो पाता है, बिल्कुल इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। या हम रेगुलरली एग्जाम ड्यूरेशन में चल रहे होते ना, तो एक सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है कि नहीं हो पाता, तो वो सैचुरेशन पॉइंट में भले रिवीजन नहीं हो पाए या लेस इफेक्टिव रिवीजन हो, तो ये पॉइंट्स मेमोराइज रहेंगे ना, तो बस मैं बोलूँगी यही रिवाइज करो, और एग्जाम हॉल में जाके
आप ब्रॉड हेडिंग्स तो लिख लो, वट एवर इंटरनल आपका अंडरस्टैंड किया है, तो इंटरनल जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स हैं वो आपको अंडरस्टैंड करनी है, लेकिन ब्रॉड हेडिंग्स को मेमोराइज कर लेना है। इसको पहले भी मैंने समझा कि इसके लिए सब्जेक्ट वाइज एक सेपरेट नोटबुक बनाएंगे, उसमें ब्रॉड हेडिंग्स को सेपरेटली लिखेंगे, नो मैटर थ्योरी पेपर है या न्यूमेरिकल पेपर है। सो आई होप आपको डिफ्रेंशिएट बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग क्लियर हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी में हम एक बार ब्रीफ लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है लॉसेस यानी प्रोसेस में जो लॉस होते हैं नॉर्मल एंड एबनॉर्मल थ्योरी में देख लेंगे, फिर न्यूमेरिकल में हम उसका न्यूमेरिकल डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँ उन स्टूडेंट को जिनकी बुक के इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग द कंपैरिजन बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, आई होप आपने देख लिया हो और आपने जो मैंने आपको वर्ड्स बोले हैं उनके रिटन वर्ड्स को भी रीड कर लिया होगा ताकि आपके अंदर कमान एंड कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक पे हम चलते हैं वो है लॉस। ठीक है, लॉस आपको कई बार कई तरीके के लॉस होते हैं, कई बार आपने ऑयल ट्रांसफ़र किया किसी प्रकार का तो इवेपोरेशन होता है, कोयला गया कोल गया तो रेसिड्यूज आ जाते हैं, एशेज आ जाते हैं, ये अनअवॉइडेबल हैं कुछ लॉसेस, ब्रिकेज हो गई मशीन की, स्पॉयलेज हो गई, एक तरीके के लॉस है, इंस्पेक्शन के टाइम में टेस्टिंग के टाइम में कोई लॉस है। तो लॉस आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक है आपका नॉर्मल लॉस, ठीक है, एक है आपका नॉर्मल लॉस, नॉर्मल प्रोसेस लॉस, एंड दूसरा है आपका एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस। हम थ्योरी अंडरस्टैंड करेंगे बट इसके न्यूमेरिकल व्यू पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसको हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब संग में न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, सो नॉर्मल प्रोसेस लॉस क्या है, ये वो प्रोसेस लॉस है जो कि अनअवॉइड हो सकते हैं, जो इनहेरेंट है उनका नेचर कि उसमें लॉस होना ही होना है। ठीक है, ये आपके पास एक्सपीरियंस एक एस्टिमेट हो जाता है कि इतना लॉस एडवांस में होगा, लोग कोयला जो लगातार मंगाते हैं तो उनको पता है कि कम से कम इतना टन में इतना ऐश तो निकल ही आएगा। ठीक है, सो कई बार उसकी स्क्रैप वैल्यू भी प्रोसेस कर सकते हैं ताकि उस वेस्ट प्रोडक्ट का कोई अल्टरनेटिव यूज़ किया जा सके। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो वो जो वैल्यू है उसको प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, और जो नॉर्मल लॉस है आपका वो ऑब्वियसली जो एक्चुअल आउटपुट है उसको रिड्यूस कर देता है ना। तो इसका हम न्यूमेरिकल में मेनली देखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले प्रोसेस क्या है वो समझाना है, फिर लॉस होते हैं, फिर उसके अंदर आप समझाएंगे दो तरीके के लॉस होते हैं, फिर उसके बाद आप समझाएंगे नॉर्मल प्रोसेस लॉस क्या होता है विद एग्जांपल। जो एग्जांपल मैं न्यूमेरिकल में कराऊंगी वो आप आंसर में कोट कर सकते हो। ठीक है, एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस क्या होते हैं, ये वो तरीके के लॉस हैं जो कि अवॉइड किए जा सकते हैं एबनॉर्मल कंडीशन से, लाइक प्लांट का ब्रेक डाउन हो गया या केयरलेसनेस हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से लॉस हो गए। ठीक है, तो इस केस में क्या कभी कभी भी एग्जैक्ट एस्टिमेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक्सेस ही हो जाता है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर दे, एबनॉर्मल लॉस क्या होगा, एक्चुअल लॉस माइनस नॉर्मल लॉस। ठीक है, एक्चुअल लॉस यानी जो भी टोटल लॉस है उसमें अगर नॉर्मल लॉस को माइनस किया तो डिफरेंस आपका एबनॉर्मल लॉस ही होगा। ठीक, और वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट यानी कि नॉर्मल कॉस्ट। ठीक, अगर कोई नॉर्मल लॉस से कुछ स्क्रैप वैल्यू मिली है वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉर्मल कॉस्ट फॉर नॉर्मल आउटपुट और डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट, जो भी आपका नॉर्मल जो आउटपुट होगा, इनटू एबनॉर्मल लॉस का यूनिट। सपोज आपका ये टोटल जो एक्चुअल लॉस था वो 10 यूनिट का था, जिसमें से 2 यूनिट नॉर्मल लॉस है तो बचा कितना, 8 यूनिट एबनॉर्मल लॉस। ठीक, तो अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एबनॉर्मल लॉस की यूनिट है वो हो जाएंगे 8 यूनिट, पुट होना है अमाउंट नहीं, ध्यान देंगे। ठीक है, लेकिन इससे क्या है, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ये जो लॉस है वो रिप्रेजेंट करते हैं मटेरियल लेबर ओवरहेड, ठीक है, जो कि वेस्टेज है, और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रिएट होता है और उसमें ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और अगर उसका स्क्रैप है तो वो भी क्रेडिट होगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में, और बैलेंस जो है वो कॉस्टिंग पेनल में ट्रांसफर हो जाता है। उसको हम न्यूमेरिकल में डिटेल में डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे।
जाते हैं, ठीक है। कई कई बार नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की जगह गेन हो जाता है, ठीक है, एबनॉर्मल गेन हो जाता है, यानी कि लॉस जो एस्टिमेट किया था इंडस्ट्रीज से नॉर्मल कंडीशन में वो एग्जैक्टली वैसा नहीं निकलता है, डेविएशन आ जाते हैं, चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया हो लेकिन कम आ गया हो लॉस, ठीक है। तो लॉस अगर कम हो गया आपके एक्सपेक्टेशन से, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एबनॉर्मल गेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये एक्चुअल लॉस जो है वो लेस होता है देन टू द नॉर्मल लॉस या स्क्रैप जो रियलाइजेशन है, उस वजह से आपको एबनॉर्मल गेन होता है, ठीक है। सो ये इनकी एंट्रीज हैं कॉस्ट पी एन एल या प्रोसेस अकाउंट में क्या करते हैं, उसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, मैंने आपको स्क्रीन में शेयर भी कर दिया है सामने। न्यूमेरिकल को सेपरेटली डिटेल में कंसिडर करेंगे ताकि आपने जो यहाँ पे वर्ड सुने और जो रीड किए वो आप नंबर्स के फॉर्म में अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, ठीक है। सो इन केस ऑफ एनी डाउट रिगार्डिंग द टुडेज लेक्चर, फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। एक और थ्योरी का वीडियो कवर करेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा और ब्रीफ में आपको लेके चलेंगे थ्योरी में, ठीक है। सो इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।